कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जब से चीन और भारत के सैनिकों में टकराव हुआ है, तब से ही राहुल गांधी कभी पीएम मोदी के बयान को लेकर तो कभी सीमा पर हुई घटना को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि वो नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी एक गलती कर बैठे, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहें और बीजेपी पलटवार न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा दुश्मन देश के नेता भी नहीं कर रहे, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन शुरू से जब से चाइना और इंडिया के बीच में तनाव पैदा हुआ है, राहुल गांधी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता कांग्रेस को कभी क्षमा करने वाली नहीं है। हालांकि अब पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है हमेशा की तरह, और सीमा विवाद को लेकर सवाल पूछ रही है सरकार से। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ट्वीट करते समय गलती क्या की थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल होना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी ने सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, जिसे लोग सुरेंदर पढ़ने लगे। हालांकि राहुल गांधी सरेंडर ही कहना चाहते थे, ये बात तो सब समझ गए, लेकिन राहुल गांधी की गलती की वजह से लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। इसी बीच पत्रकार अमीश देवगन ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें सुरेंद्र नाम का मतलब और अर्थ निकाला गया है। इसमें सुरेंद्र का मतलब इंद्रदेव और देवताओं के मुख्यमंत्री बताया गया है। इसी तरह के ट्रोल का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहा। वहीं मीडिया रिपोर्ट से मिली खबरों के मुताबिक भारतीय सेना को चीन को करारा जवाब देने की खुली छूट दे दी गई है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें सेना प्रमुख शामिल हुए थे।